कैसी लग रही हैं ये पकौड़ियाँ? मस्त लग रही हैं ना? आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, एकदम नॉर्थ इंडियन देसी स्टाइल कढ़ी बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें पकौड़ी बनानी पड़ती है। तो मैंने ये थोड़ा सा बेसन लिया था, उसमें मैंने एक पिंच नमक और 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दिया था। आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं या चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने चिली फ्लेक्स का यूज़ किया हुआ है इसमें। और बस इसे अच्छे से फेंट लिया है और अब इसकी मैं कढ़ी की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और ये देखिए, मेरा फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और इसे मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी धीरे से। पकौड़ी का साइज़ और शेप जो भी आप रखना चाहते हैं ना, वैसा रख सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोल ही बनानी है, मतलब जैसा भी आप जब पकौड़ी डालते हैं ना, तो वो वैसे भी अपने हिसाब से जब ऑयल में उतरती है तो अपने हिसाब से हो जाती है। तो ये मैंने ये क्रिस्प होने पे इन्हें निकाल दिया है। एक छोटी सी टिप, आप कढ़ी के इस पकौड़ी के बैटर को जितना ज़्यादा फेटेंगे ना, पकौड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और उतना ही कम टाइम लगेगा उन्हें आपके कढ़ी के बैटर में सोक होने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी निकाल लेती हूँ। ये चम्मच है ना, इससे मैं थोड़ा सा लूंगी और इसे धीरे से ड्रॉप कर देना है। इसी तरीके से सारे के सारे बना देना। एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम ये अंदर डाल रहे होंगे ना पकौड़ी, तो उस टाइम पे आपको जो आंच होगी उसको स्लो पे रखना है, नहीं तो ये अंदर से नहीं पकेंगी और ऊपर से एकदम लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मैंने ये अराउंड 100 ग्राम बेसन लिया था पकौड़ी बनाने के लिए और इसमें अराउंड मेरी अराउंड 34-35 पकौड़ियाँ मेरी बन गई हैं। मैंने बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाई है, नॉर्मल साइज़ की बनाई है एकदम। और ये भी रेडी होने वाले हैं और इन्हें भी निकाल लेंगे अभी। बस उसके बाद हम अपना कढ़ी का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए आप कढ़ी के बैटर को बहुत देर तक नहीं फेंट पाए हैं, जिससे कि ये पकौड़ियाँ मुलायम हो सके जल्दी, क्योंकि बिना मुलायम हुए इन्हें आप अच्छे से खा नहीं पाएंगे। और कढ़ी पकाते टाइम इन्हें वैसे उबाला जाता है कढ़ी के पानी में, लेकिन उसके बाद भी कई बार ये शिकायत होती है कि पकौड़ियाँ मुलायम नहीं बन पाई हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है, ये जो पकौड़ियाँ हमने बनाई है ना, एक बॉल लेना है, इन्हें उठा के उसमें पानी रखना है, उसमें पानी में डाल देना है अराउंड 5 मिनट्स के लिए। ये गर्म रहेंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी फटाफट से। फिर आपको इन्हें अलग से उनके साथ में उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे डायरेक्ट मिक्स करके खा सकते हो। मगर इसमें क्या होगा कि आपको वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। सो कोशिश करो कि बैटर को अच्छे से फेंट लो ताकि आपको ये प्रोसीजर ना करना पड़े। मैं ये प्रोसीजर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बैटर को फेंटा था अच्छे से और ये मैंने पकौड़ियाँ बना ली है। चलिए आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में से सारा ऑयल निकाल लिए है, ये सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें छोड़ दिया है। अभी हमने क्या किया है, ये हमने 3-4 चम्मच मैदा लिया, सॉरी बेसन लिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, पानी ऐड करना है। अब इसमें मुझे ढेर सारा पानी ऐड करना है। मैं फ़िलहाल अभी इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। साथ ही में मैंने एक ही कटोरी ली है, इस कटोरी में 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मैं ले रही हूँ और इस हल्दी में भी मुझे पानी ऐड करना है। तो धीरे धीरे पानी डालेंगे और धीरे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। ये आगे के प्रोसीजर में हमें सब काम आएगा, इसके लिए हम इसको अभी से प्रिपेयर कर ले रहे हैं।
देखिए इस तरीके से इसका घोल बना देना है। ये हमारा तेल गरम हो गया है। अभी इसमें हमें क्या करना है, ये आप सब जानते होंगे इसको पंचफोड़न बोलते हैं। इसमें पांच तरीके के जो भी मसाले होते हैं वो मिक्स होते हैं। मंगरेल होता है, जीरा होता है, सौंफ होता है, सरसों होती है। इस तरीके से इसमें मिला के टोटल पांच दाने होते हैं। तो इसका हम एक चम्मच भर के लेंगे और इस कढ़ाई में इसमें हम तड़का लगाएंगे। फ्लेम को स्लो रखना है और इसके साथ में ही इसमें मिर्ची डालेंगे। मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हो तो ही डालें। अब ये हो चुका है, बिल्कुल पक गया है। ये जो हमने हल्दी बनाई थी ना, ये इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल, और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। और तब तक कुक करना है जब तक हल्दी एकदम अच्छे से पक नहीं जाती। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे हल्दी के साथ में। हल्दी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, अराउंड 2 टेबल स्पून। इसे अच्छे से पकाएंगे, एकदम स्लो फ्लेम पे पकाना है, एकदम लो रखनी है फ्लेम को और अच्छे से कुक करना है। देख सकते हैं हल्दी का रंग एकदम बदल चुका है, येलो से थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने घोल बनाया था ना बेसन का, ये सारा का सारा घोल हम इसमें पोर कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे, एकदम कुक होने देंगे एकदम अच्छे से। अच्छा, तो ये जो भी हम कुक कर रहे हैं ना, इसे हमें टोटली लो फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा होता है, बेसन है ना तो गाढ़ा बहुत जल्दी होता है। और साथ ही इसमें हमें समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना रहेगा और इसको चलाते रहना रहेगा। तो इसको मैं चलाती रहूँगी। अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी सी है। अभी इसमें हम पानी और ऐड करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा पकने के बाद में। इसको खट्टा करने के लिए मैं छाछ का यूज़ करने जा रही हूँ, और आप इसमें दही डाल सकते हैं, खट्टी दही हो 2-4 दिन पुरानी वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो छाछ है वो एकदम ताज़ा है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, इसलिए मैं छाछ और नींबू का रस दोनों यूज़ करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल ये पक रहा है, देखिए गाढ़ा हो रहा है ना, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हिलाते रहना है, तो इसमें ना लम्स आ जाएंगे, लम्स नहीं आने देंगे। तो इसे पकाते हुए अराउंड 7-8 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इसमें इतनी अच्छी सी बॉयल आ रही है, और बॉयल के साथ साथ में देखिए व्हाइट कलर का इस पर उभार आ रहा है। इट मीन्स ये कुक हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे हमें इसमें छाछ मिलाना है, तो मैंने ये छाछ लिया है, अराउंड 1/2 लीटर है, और इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी पूरा का पूरा 1/2 लीटर, और ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए छाछ मिलाने से का जो गाढ़ापन था वो हल्का होता जा रहा है ना, और ये थोड़ा सा रनी भी हो गया है। ऐसा ही हमको बिल्कुल चाहिए है, क्योंकि हम इसको चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो इसे हम पतला ही रखेंगे थोड़ा। मुझे सिंधी कढ़ी बहुत पसंद है, अभी तो नहीं, पर मैं किसी दिन आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर, और बिलीव मी इट्स वेरी टेस्टी। ऑल्दो ये हमारी नॉर्थ इंडियन कढ़ी भी बहुत टेस्टी होती है, पर सिंधी कढ़ी का भी एक अलग स्वाद होता है और बहुत टेस्ट होता है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे।
नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ये आधा नींबू लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। तो अब हर चीज़ ऐड करने के बाद इसमें हम 2 कप पानी और ऐड करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी और पतली करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बॉईल आने तक हम इसको मीडियम आंच पर पकने देंगे। बीच बीच में हल्का सा चलाते भी रहना है। वैसे अब ये इतना पतला हो चुका है कि इसमें लम्प्स तो नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी बीच बीच में इसको हल्का सा हिला देना है। सो देखिए 5 मिनट ही कुक करने के बाद इस तरीके से इसमें उफान आ रहा है, और इसे एक बार फिर से चला देते हैं और इसे अब थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाते हैं। इसका पकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुंह में अजीब सा कच्चे कच्चे बेसन का स्वाद आएगा, है ना। तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। लो फ्लेम पे भी पकाने के बाद इसमें उफान आ रहा है, तो ये साइन है कि अब हम अपनी पकौड़ियाँ इसमें डाल दें और ये पकौड़ियों के साथ में पकता रहे। सो हम अपनी सारी की सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे और इन पकौड़ियों को अच्छे से डिप करा देंगे एक बार, और अब इसे लो फ्लेम पर इनमें डिप रहने देंगे और इसे ढककर पकाएंगे अराउंड 5 से 10 मिनट के लिए कम से कम। कढ़ाई एकदम फुल है, इसे हम ढक देते हैं और इसे मीडियम में ही बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है, ओके, अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए। अभी टाइम हो गया है, इसको हटा के देखते हैं। यू कैन सी कितना अच्छा बॉयल आ रहा है, देखिए चावल से खाने लायक एकदम बढ़िया है। इसको आपको और गाढ़ा करना है और पकाइए, मुझे चावल के साथ यूज़ करना है इसलिए मैं इसे ऐसे ही पतला रखूँगी, ओके, दाल के जैसा बिल्कुल पतला। अब इसे हम खोल के भी 5 मिनट पकाएंगे ताकि इसका टेक्सचर एकदम मस्त हो जाए। तो मेरे हिसाब से मेरी कढ़ी एकदम अच्छी पक चुकी है, मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम बढ़िया हो गई है। अब फाइनल लेवल इसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तो सो मैंने ये तड़के वाला एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहें तो सरसों का तेल या रेगुलर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं देसी घी का यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। ये छोटी चम्मच है, ये मुझे बार बार डालना पड़ रहा है। घी हमारा गर्म हो चुका है, मैंने लिया है ये राई, राई सूखी। तड़का हमारा रेडी हो गया है और तड़के को हम कड़ी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं ये बोल में निकाल ले रही हूँ। सो आपको मेरी रेसिपी कढ़ी की कैसी लगी, ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये इसका टेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
नेक्स्ट रेसिपी तक। बाय बाय।